ये तस्वीरें हैं कपड़ा फाड़ सियासत की, ये तस्वीरें हैं बेहया सियासत की, ये तस्वीरें हैं लोकतंत्र के चीरहरण की। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी की, जहां ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किस हद तक चला गया देखिए और देखते जाइए। जिन महिला की साड़ी खींची जा रही है, इन तस्वीरों में वो पसगवा में सपा उम्मीदवार के प्रस्तावक अनीता यादव हैं। इस घटना के कई घंटे बाद भी अनीता का दर्द आंखों में झलक जाता है, देखिए और सुनिए उनकी इस तकलीफ को। मेरे साथ में इनके साथ ही हमने चल रही थी और वो हमको गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया, मुझको गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया, हमको गेट के बाहर फेंक दिया वो लोग। रेखा वर्मा सांसद के लोगों ने, गुंडों ने मेरी साड़ी खींच ली। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। ये कहाँ पे हुआ और पुलिस थी आपके? सारी, बहुत सारी थी पुलिस। अनीता ही नहीं, सपा उम्मीदवार रितु सिंह के साथ भी जो हुआ देखिए, शर्म आ जाएगी आपको। रितु जो यूपी तक को बताती हैं वो सुनकर। आरओ साहब से ने लेके पर्चा फाड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, रेखा वर्मा के गुंडों ने। और बहुत बदतमीजी की सर, बहुत पुलिस खड़ी रही पर मेरे साथ कुछ नहीं किया। कोई भी, इतनी पुलिस थी, किसी ने नहीं बोला कि ये महिला के ऊपर क्या हादसा हो रहा है। कौन लोग थे जिन लोगों ने ये किया है? भाजपा के लोग थे, रेखा वर्मा के। आप सुन रहे हैं कि पीड़ित महिला उम्मीदवार चीख चीख कर बीजेपी उम्मीदवार का नाम ले रही है, लेकिन पुलिस ने कुछ और ही बताया है। जी, वही पुलिस जो उस वक्त तमाशबीन थी, सब कुछ देख रही थी, बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह। पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये सब किया निर्दलीय उम्मीदवार और उसके समर्थकों ने। पसगवा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के समय एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसमें महिला की तहरीर के आधार पर थाना पसगवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एक नामजद अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चार पुलिस टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कौन है जिसकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तार अभियुक्त क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थक है। मामले ने तूल पकड़ा, सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा हुआ, थू-थू हुई तो पुलिस पर भी कार्रवाई हुई है। सीओ और एसओ को सस्पेंड किया गया है तो पूरे थाने पर गाज गिरी है। पसगवा ब्लॉक में ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों की अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी, एसएचओ पसगवा आदर्श कुमार सिंह एवं एक इंस्पेक्टर और तीन सब इंस्पेक्टर्स को निलंबित किया गया है। कार्रवाई की आड़ में मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पुलिस के सामने मारपीट दंगा होता रहता है, इन महिलाओं की सरेआम बेइज्जती की जाती है। और सिर्फ यही नहीं, जिले दर जिले ऐसी ही तस्वीरें। लखीमपुर खीरी से अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।